हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल शर्मा जी का बेटा इम्बाइब कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद एनसीबी ने बहुत से सेलिब्रिटी से पूछताछ की और कुछ को तो गिरफ्तार भी किया। इस मामले ने सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद तूल पकड़ा था। अभी ताजे मामले में एनसीबी ने कॉमेडियन भारती सिंह को गिरफ्तार किया है। आज के टॉपिक में हम इसी मामले को समझेंगे और साथ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भारती सिंह को शनिवार को अरेस्ट किया। एनसीबी ने 86.5 ग्राम गांजा उनके घर और उनके ऑफिस से बरामद किया। एनसीबी ने इनके घर पर रेड मारी और लगभग 3.5 घंटे पूछताछ चली और उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया। एनसीबी पहले पूछताछ करती है और अगर एक्यूज के जवाब मेल नहीं खाते या फिर संतोषजनक नहीं होते तो एनसीबी अरेस्ट भी कर सकती है। भारती सिंह को तो आप सभी जानते हैं, बहुत फेमस कॉमेडियन है, लेकिन इनके पति हर्ष लिम्बाचिया जो कि एक स्क्रिप्ट राइटर हैं और भारती सिंह जितने फेमस नहीं हैं, उनको भी एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। आइए अब ये समझते हैं कि आखिर भारती सिंह एनसीबी के रडार पर कैसे आए। शनिवार की सुबह एनसीबी ने एक 21 साल के ड्रग पैडलर को खार डांडा में गिरफ्तार किया। उसके पास से 40 ग्राम गांजा, 15 LSD डॉट्स और नाइट्राजेपैम की गोलियां बरामद की। नाइट्राजेपैम एक रेगुलेटेड मेडिसिन है जो एंजाइटी और इंसोमनिया के केस में यूज की जाती है। जाहिर सी बात है, जब ड्रग पैडलर से पूछताछ की जाती है तब वह बहुत सी बातें बताता है, जैसे कि किस किस को उसने ड्रग्स बेचे, इसमें कौन कौन शामिल है। इसी पूछताछ में भारती सिंह का नाम सामने आया। इसके बाद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कुछ घंटे बाद भारती सिंह के घर और ऑफिस में छापा मारा और गांजा बरामद किया। एनसीबी ऑफिशियल के अनुसार भारती सिंह और उनके पति दोनों ने ही गांजा सेवन की बात को माना है। एजेंसी ने NDPS एक्ट के तहत दोनों पर FIR दर्ज की है। अब ये NDPS एक्ट क्या है, अभी ये थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, सुशांत सिंह के सुसाइड के बाद एनसीबी ने मुंबई से ड्रग सिटाडेल को जड़ से उखाड़ने की एक मुहिम चलाई। इस मुहिम के तहत एनसीबी ने एक्टर दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान समेत कई लोगों से पूछताछ की और 33 लोगों को गिरफ्तार भी किया। भारती सिंह की गिरफ्तारी इसका सबसे ताजा मामला है। अब ये समझते हैं कि NDPS एक्ट होता क्या है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 को कॉमनली NDPS एक्ट कहते हैं। ये पार्लियामेंट का एक्ट है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कौन से एक्ट्स पार्लियामेंट बना सकती है तो आई बटन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। NDPS एक्ट किसी व्यक्ति को किसी नशीली दवा और मादक पदार्थ के उत्पादन, निर्माण, खेती, पोजेशन, बिक्री, खरीद, भंडारण या उपभोग पर प्रतिबंध लगाता है। ये 14 नवंबर 1985 को लागू हुआ था। उसके बाद ये 3 बार 1988, 2001 और 2014 में अमेंड हो चुका है। ये एक्ट पूरे इंडिया पर अप्लाई होता है और भारत के बाहर सभी भारतीय नागरिकों और भारत में रजिस्टर्ड जहाजों और विमानों के सभी व्यक्तियों पर भी लागू होता है। इस एक्ट के तहत स्मॉल क्वांटिटी रखने पर 1 साल की सजा या 10,000 का जुर्माना या दोनों लग सकता है। अगर क्वांटिटी स्मॉल से ज्यादा है और कमर्शियल से कम है तब 10 साल की सजा और 1,00,000 तक जुर्माना लग सकता है। अगर कमर्शियल क्वांटिटी है तब सजा कम से कम 10 साल की होगी, जो 20 साल तक भी बढ़ाई जा सकती है, और साथ ही 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा, जो 2,00,000 तक बढ़ाया जा सकता है। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि मोस्ट पॉपुलर ड्रग्स के लिए कितनी क्वांटिटी को स्मॉल क्वांटिटी और कितनी क्वांटिटी को कमर्शियल क्वांटिटी माना जाता है। आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। भारती सिंह के पास 86.5 ग्राम गांजा मिला जो स्मॉल क्वांटिटी से कम है, लेकिन उन पर फिर भी NDPS एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा क्योंकि NCB ने उन पर ऑलरेडी FIR दर्ज कर ली है। ड्रग पैडलर ने अपने बयान में ये खुलासा किया कि एक्टर्स वेट लॉस, सेक्स डिजायर को बढ़ाने के लिए तथा एंजाइटी से निजात पाने के लिए ड्रग्स का सेवन करते हैं। कोर्ट ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।